जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में DDO अनिल सिंह ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि वे शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावालियों को समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें, अनावश्यक पत्रावालियों को लंबित न रखा जाए। DDO अनिल सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र कृषकों को KCC से संतृप्त किया जाना है, इसलिए बैंकर्स आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए सभी पात्र कृषकों को संतृप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा बैंकर्स मौजूद रहे। जो 6,084 से बढ़ा के 52,000 कर दिया गया है, लेकिन रिन्यूअल में कोई चेंजेज नहीं हुए हैं, तो हमें अब 52,000 की स्थिति को देखते हुए काम करना होगा और हमें 52,000 नए KCC करने हैं, जिसमें अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अभी तक जो हमारा रिकॉर्ड बता रहा है वो करीब करीब 6,500 के आसपास अगस्त की फिगर है, आ गए हैं नए KCC हुए हैं तो 6,500 के आसपास में, लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत है, 2,500-2,500 लोन मिलना है। इसमें एक और रिक्वेस्ट है, ये जो टारगेट है ना, इसी आप अपने जो ये बनाया टारगेट है ना, ये इसी उसमें डाल दीजिए, जो हाँ उसमें डाल दीजिए। उसमें नए टारगेट के साथ तो KCC में थोड़ा सा मेहनत करनी है। इसमें एक बात ये कहनी थी कि किसी होनी चाहिए नए में, मान लीजिए एक महीने के फार्म भरना है, सर्वे करना, ये करना, वो करना, जिनका NPA वगैरह नहीं हो रहा है वो क्या कहते हैं उनको आप दीजिए। हाँ, रिन्यूअल, रिन्यूअल में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रिन्यूअल चल भी रहा है सर, इसमें थोड़ा सा मतलब बढ़ा है, 10% के आसपास है, 80,000 का लक्ष्य है आपका, 75,000 मोटा मोटा, और आपने 7-8,000 किया है आप, और हमारे टाइम कितना बीत चुका है, 5 महीने, आप अगर इससे संतुष्ट हैं दैट्स गुड। नहीं, ये हो जाएगा सर, इसमें हमको चिंता नहीं, चिंता हमें न्यू की है क्योंकि 52,000 मुझे टारगेट पूरा करने हैं। कैंप लगवाइए, बैंक वालों से कहिए कैंप लगाएं। ऋण मोचन के संबंध में कहना है कि अभी जो 635 किसानों का ऋण मोचन करके डिमांड जनरेट किया, ऋण मोचन के लिए डिमांड जनरेट किया गया था, शासन ने उसको वापस कर दिया पुनः सत्यापन के लिए, उसमें सारे बैंकर्स को भेज दिया गया है, जो भी 635 बैंक सूची किसानों की, उसमें देख लें कि उनकी अमाउंट जो उसमें आपने पहले फीड किया था उसी के आधार पर डिमांड जनरेट हुआ है, लेकिन ये कोई चेंजिंग उसमें है, जैसे धनराशि जो आपकी आपकी टर्निंग 31 मार्च 2016 को थी और रिपेमेंट किया था, और जो लाइबिलिटी बन रही है रिमोशन के लिए वो सही है कि नहीं है, कोई संशोधन हो तो अभी संशोधन का मौका मिला उसको संशोधित करें, या कोई ऐसा किसान हो जो पात्र था या अपात्र था, गलती से पात्र हो गया हो, क्योंकि बाद में आर्थिक में समस्या आती है तो आपको उसकी होल्ड करना पड़ता है, वो किसान के लाने लगता है कि मेरा रिमोशन हुआ था लेकिन आपने होल्ड कर दिया, वो समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो इसको बहुत स्पेसिफिक देखें ना कि थ्रोली देख लें कि डिमांड जनरेट हुआ है सही है, क्योंकि अभी जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2 किसानों का सत्यापन करके लाया था सर, एकदम सही है, हम कह रहे हैं एक बार फिर से चेक करिए, दोबारा उन्होंने चेक किया तो उसमें से एक किसान का जो है जो मोटर जो डिमांड जनरेट हुई थी उसमें धनराशि घट गई, तो ऐसा मत करें कि आप हाँ सही है करके वापस कर दें, उसको देख लें। 635 पूरे जनपद में बहुत कम किसान हैं, ज़्यादा नहीं है, किसी बैंक में 40 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 100 होंगे, ये पॉइंट बहुत सही है, इसको जितना जल्दी वापस करेंगे उतने जल्दी रिमोशन होगा, क्योंकि किसानों का प्यार बढ़ रहा है, वो जो बढ़ रहे हैं, हार्ड कॉपी वापस करें, हार्ड कॉपी पे ही धनराज सही है तो सही है करके दस्तखत कर देंगे, ये कोई संशोधन है। हाँ, ये किसी किसान का ये भी ध्यान दें, क्योंकि ये ऑफलाइन कंप्लेन थी, इसमें जिसने भी कंप्लेन किया था सीधे बैंक को भेजा गया था, बैंक जनरेट हो चुकी, इसको पात्र किया तो पात्र हो जाएगा, उसके आ रहा है कि 2 बैंकों से हमने जो भेजा वो सिर्फ ये देखने लिए भेजा कि धनराज सही है, लेकिन एक सूची सीधे आपके वहाँ से आई होगी लखनऊ से कि 2 बैंकों से लिया है, जो पहले लिया वही मिलेगा, दोनों अलग अलग हैं।